दुखद घटना है। हैदराबाद में जिस प्रकार से जो बलात्कार करके जलाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से जो घटना है बक्सर में कल हुआ और आज समस्तीपुर में हुआ। हम लोग पूरी तरीके से इस घटना की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि अपराधी जो हैं जल्द से जल्द पकड़े ही ना जाएं, बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दिलाने का काम किया जाए। इसके लिए हमारे पार्टी की तरफ से जो सज़ा दिलाने की जो भूमिका होगी वो हम लोग हर एक स्तर पे करेंगे और सरकार को जगाने का भी काम करेंगे। बिहार में हर एक दिन 100 मर्डर, 50 बलात्कार हो रहा है और मुजफ्फरपुर घटना जो हुई और जिस प्रकार से जो लोग आप कह सकते हैं छलत्कारी लोग जो छल करके जो सरकार चला रहे हैं, वो लोग जो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, जितने छलत्कारी लोग हैं, बालिका गृह मुजफ्फरपुर में जितने बलात्कारियों को मंत्री बना दिया जाता है, कोई बड़े अधिकारियों को सजा नहीं दी जाती है, जांच का अता पता नहीं रहता है, तो बलात्कारियों का मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सरकार जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग उनको पूरा संरक्षण देने का काम कर रही है। आप देखिएगा बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी संरक्षण देने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, सुशील मोदी हाथ जोड़ करके अपराधियों से गिड़गिड़ा रहे हैं, बिहार का DGP कहता है कि वो भी सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। आप देखिए बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हरियाली यात्रा पर निकले हैं, यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है, नौजवानों के जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, बेरोजगार हैं। इनको हम सलाह देते हैं कि कम से कम हरियाली यात्रा ना निकाल करके आप अपराध मिटाओ यात्रा पे जाते तो बहुत बिहार को फायदा होता, जिससे मनोबल अपराधियों का टूटता और पुलिस का मनोबल बढ़ता। बिहार में आप कह सकते हैं जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल पड़ा है, कोई कंट्रोल नहीं रह गया, तो यहाँ पूरी तरीके से दानव राज। पटना के दुकान में दिन दहाड़े घुस करके गोली मार दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि अपराध बिहार में किस हिसाब से अपराधियों का बोलबाला है। देसी जी, जिस तरीके का मुश्किलें बढ़ती नजर आई है, CBI ने मांग किया है कि सजा को बढ़ाया जाए। एक कानूनी प्रक्रिया है, इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। और CBI क्या करती है नहीं करती है, आपको महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, जानना चाहिए।